अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। मैं हूं आपका मेज़बान जाज़िब और आप सबको खुश आमदीद। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए और अपनी कीमती राय से मुझे आगाह कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इसके साथ साथ आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। होंडा सिविक 11th जनरेशन पाकिस्तान के अंदर आपको 3 वेरियंट्स इसके ऑफर किए जाते हैं, स्टैंडर्ड, ओरियल एंड RS। अभी रिसेंटली होंडा ने एक अनाउंसमेंट की है जिसमें इस कंप्लीट लाइनअप के अंदर एक इसमें एडिशन किया जा रहा है, एक नया वेरियंट लॉन्च किया गया है विच इज़ 1.5 लीटर EXI। और इसकी अगर हम प्राइस पे आते हैं तो यहाँ पे जो प्राइस होंडा ने अनाउंस किया है दैट इज़ 77,49,000। इसके बाद अगर हम इसके फीचर्स पे आ जाते हैं, सबसे पहले एक्सटीरियर पे आएँ, जो यहाँ पे होंडा ने अपने इस लिस्ट के अंदर जो मेंशन की हुई चीज़ें, ये खैर साथ आप स्क्रीन पे भी देख सकेंगे। तो एक्सटीरियर में सबसे पहले जी इसकी टेल लैम्प्स और हेडलाइट्स जो हैं ये आपको हेलोजन में मिलेंगी, सनरूफ इसमें आपको नहीं मिलेगा, व्हील्स आपको 16 इंचज़ के अंदर स्टील में रिम्स मिलेंगे, और उसके अलावा इसमें साइड व्यू मिरर्स आपको नॉन रिट्रैक्टेबल मिलेंगे, मतलब नहीं मिलेंगे रिट्रैक्टेबल, और रिवर्स कैमरा इसमें ऑप्शनल होगा, स्मार्ट कीलेस एंट्री इसमें आपको नहीं मिलेगी। इसके बाद इंटीरियर पे आते हैं और यहाँ पे जी क्रूज़ कंट्रोल नहीं होगा, पुश स्टार्ट भी नहीं होगा इसमें, क्लाइमेट कंट्रोल इसमें मैनुअल मिलेगा। इसके अलावा इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको एक 7 इंचज का एंड्रॉयड आपको पैनल मिल जाएगा। तो ये ओवरऑल यहाँ पे इन्होंने अपनी इस लिस्ट के अंदर चीज़ें मेंशन की हुई हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ इन्होंने इसके नीचे लिखी हुई है कि ऑप्शनल एसेसरी पैकेज विच इंक्लूड्स टॉप कवर, फ्लोर मैट्स, मड फ्लैप्स एंड लिप स्पॉइलर अवेलेबल फ्रॉम डीलरशिप फॉर जस्ट 50,000। अच्छा, उसके बाद ऑप्शनल हाई क्वालिटी रिवर्स कैमरा ऑल्सो अवेलेबल फॉर 25,000। यानी कि जो ऑप्शनल चीज़ें इन्होंने यहाँ पे आप उसकी कॉस्ट भी मेंशन कर दी है। और अभी करंटली इसकी बुकिंग्स वगैरह जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं और इसकी जो डिलीवरी टाइम आ रहा है वो जनवरी 2024 आ रहा है। अच्छा, अब इसकी अगर हम प्राइस देखें तो और इसके फीचर्स पे आते हैं तो उस हिसाब से देखा जाए तो जब भी वैसे कोई कंपनी गाड़ियों के अंदर कोई वेरियंट लॉन्च करती है तो वो पहले वाले वेरियंट से या तो इम्प्रूव होता है या उनसे कुछ बेहतर होता है, उसको फेसलिफ्ट किया जाता है। तो यहाँ पर होंडा ने बिल्कुल एक तो स्टैंडर्ड वेरिएंट आपको बेसिक मिल रहा था लेकिन इन्होंने उसके भी नीचे का एक बेसिक वेरिएंट लॉन्च किया और इसकी प्राइस भी अगर आप देखें 77,49। तो अब यानी कि स्टैंडर्ड वेरिएंट जो अभी बेसिक में था उससे भी कम फीचर्स इसमें आपको मिलेंगे। तो अगर इसकी आप प्राइस देखते हैं तो मेरा ख्याल है कि अगर इसकी अगर ये लॉन्च ठीक है हो भी गई है या इसकी बुकिंग्स ओपन है तो अगर कोई बंदा 77 या 78 लाख रुपीज़ खर्च कर रहा है तो फिर वो स्टैंडर्ड वेरिएंट पे भी जा सकता है, ओरियल पे भी जा सकता है। तो इतना मेरा नहीं ख्याल कोई इससे फ़र्क पड़ेगा। और इसका अगर आप अल्टीमेटली देखें इम्पैक्ट कहाँ पे आ रहा है, बल्कि रिसेंटली आपको पता है कि जैसे लास्ट पूरा मंथ प्राइजेस रिवाइज की गई कंपनीज की तरफ से, होंडा ने भी सिविक के ऊपर जो है प्राइजेस इसके ऊपर काफ़ी कम की थी। सो ज़ीरो सेल्स है, ठीक है। अब यहाँ पे शायद एक स्ट्रेटजी यूज़ की गई है कि कोई इसका एक ऐसा वेरियंट लॉन्च कर दिया जाए सिविक का कि जिसके ऊपर इनकी सेल्स किसी तरीके से बढ़ सके। तो खैर 77,49 मतलब 80 लाख रुपीज़ अगर कोई खर्च करेगा तो वो थोड़े से ऊपर पैसे और करके तो इससे बेहतर ऊपर का वेरिएंट भी ले सकता है। सो एनी हाउ ये एक छोटी सी अपडेट थी और बाकी ये पूरा इसकी डिटेल्स हैं ये स्क्रीन के ऊपर मैं आपको शेयर कर दूंगा, स्क्रीन के ऊपर आप चल भी रही होंगी तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। सो ये एक छोटी सी अपडेट थी और मैंने सोचा कि मैं आपके साथ अपनी एक पॉइंट ऑफ व्यू जो मेरा अपना है या जो भी मेरे थॉट्स हैं वो आपके साथ भी मैं शेयर करूँ या डिस्कस करूँ। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है, आपकी क्या थॉट्स हैं वो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में डिस्कस कीजिए ताकि उसका फ़ायदा बाकी भी जो ऑडियंस हमारी देख रही है उनको भी उसका फ़ायदा हो सके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और अपना ओपिनियन, अपनी थॉट्स लाजमी और आपका जो भी फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। सो इंशाल्लाह आपसे फिर दोबारा मिलते हैं और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। सो इंशाल्लाह विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।